देश में रोज कहीं ना कहीं से आपको हत्या आत्महत्या की खबर सुनने को मिल जाएगी और हर घटना के पीछे कुछ न कुछ वजह भी जरूर होती है, लेकिन कुछ वजह ऐसी होती है जो किसी को बताई भी नहीं जाती और ना ही अपने अंदर समेट कर रखी जाती। अंत में पीड़ित उस बोझ को संभाल नहीं पाता और अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर हो जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया इटावा से सामने आया है, जहां एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों ने मधु का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ देखा तो पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और जांच पड़ताल शुरू की। हैरानी तो तब हुई जब इस घटना के बाद महिला के ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। मृतक महिला के भाई ने बताया कि दीदी के ससुर उनके साथ छेड़छाड़ किया करते थे। उनकी इसी हरकत से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। अमरजीत, क्या घटना हुई आपके साथ में? मेरी बहन की शादी 2018 23 अप्रैल को हुई थी। उसके बाद उनके मेरे जीजा के पिताजी और जीजा मेरे दोनों भेज पिता के ऊपर उन पर रोज रोज मतलब बोलते थे उनसे। और उसके बाद एक बार उनके जीजा के पापा ने छेड़तानी की मेरी दीदी के साथ, तो मेरी दीदी ने फ़ोन किया घर पे बताया। फिर हम लोग गए, उनसे बोला, समझाया उनको। फिर उनने बोला चलो आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं होगी। मेरे जीजा ने कहा अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं अपने पापा की जिम्मेदार को दूंगा। इतना बोल के फिर हम लोग अपने घर पे आ गए। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद मेरी दीदी को फिर किया होगा वैसा ही जिस पहले किया उनके पापा ने, तो या फिर उनने कुछ बोला होगा तो उन्हें मार दिया गया। फिर तो वहीं पुलिस का कहना है कि मृतका के परिजनों की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जो लड़की के परिजन हैं वो भी थाना जसवंत नगर क्षेत्र के रहने वाले थे, वो भी आ गए थे। अभी शादी को 4 साल के करीब हुए हैं, उसमें क्योंकि 4 साल से कम हुए हैं, इसका पंचायतनामा मजिस्ट्रेट द्वारा भराया गया है। परिजन अभी तहरीर दे रहे हैं, उसमें दहेज में अन्य आरोप जो भी लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ आरोप अभी उनके द्वारा लगाए गए हैं लेकिन अभी तक तहरीर नहीं दी है। जो भी तहरीर देंगे उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जो भी इसमें दोषी लोग होंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जब एक महिला शादी करके अपने पति के घर जाती है तो ससुर के रूप में उसे अपना दूसरा पिता मिलता है, लेकिन इस खबर ने ससुर और बहू के रिश्ते को न सिर्फ कलंकित किया है बल्कि ससुर के नाम पर दाग लगाने का काम भी किया है। ऐसे कलयुगी ससुर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिटावा से अरविंद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।